देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन किस कदर बढ़ चुका है ये तो आप सभी जानते हैं। अब इस पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ऑड इवन योजना लागू की गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया। ऑड इवन दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर तक लागू रहेगा। अगर आप भी ऑड इवन के नियमों को लेकर परेशान हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या नियम हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सागर। दिल्ली में ऑड इवन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगर एक हफ्ते तक ऑड इवन का असर दिखता है तो उसे पॉल्यूशन कम करने के लिए आगे भी लागू किया जाएगा। ऑड इवन नियम के अनुसार अगर आपकी कार का नंबर का आखिरी नंबर ऑड है यानी 13579 है तो आप 13, 15, 17 और 19 नवंबर को अपनी कार चला सकते हैं। वहीं अगर नंबर प्लेट का आखिरी नंबर इवन है यानी 2468 और 0 है तो आप 14, 16, 18 और 20 नवंबर को अपनी कार चला सकते हैं। बता दें कि ऑड इवन के तहत टू व्हीलर यानी बाइक और स्कूटर को छूट दी गई है। टू व्हीलर वाहनों को इस योजना के बाहर रखा गया है। दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड इवन का नियम लागू होगा। ऑड डे पर सिर्फ ऑड नंबर वाली गाड़ियों की एंट्री होगी जबकि इवन डे पर सिर्फ इवन नंबर वाली गाड़ियों की ही एंट्री होगी। प्राइवेट सीएनजी की गाड़ियों को ऑड इवन से छूट नहीं दी गई है और इन गाड़ियों को भी इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। एम्बुलेंस सहित आपात वाहनों, दमकल, अस्पतालों, जेल और शव ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है। बता दें कि दिल्ली की एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई है और दिल्ली के कई इलाकों में पॉल्यूशन का लेवल 500 के पार चला गया है। पॉल्यूशन की वजह से धुंध और कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर चलने के लिए लोगों को रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली से ज़्यादा हालात गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में गंभीर हैं। नोएडा में एवरेज AQI 600 के पार चला गया है, वहीं गुरुग्राम में भी 500 से ऊपर ही है। ऐसे में आप सब भी अपना ध्यान रखें और बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें, और अगर जाते भी हैं तो मास्क लगाना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़।